वेलकम सर, सुनील सर टू आवर लाइव इंटेंशन। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रो करवा देता हूं आपसे। एक्चुअली माय नेम इज जैन सुनील सर, भारद्वाज। जैन जय हिंद सर, जय हिंद। सबसे पहले तो मैं इंट्रो करवा देता हूं आपसे। माय नेम इज सुनील भारद्वाज। आई एम फ्रॉम हिमाचल प्रदेश एंड वर्किंग प्रेजेंटली वर्किंग इन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एज असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट। Okay, I have completed my 8-year service all about almost all parts of India. Okay, this is actually आपने फार्मासिस्ट को एक अलग रूप में देखा होगा, जैसे कि आपने हॉस्पिटल में देखा होगा, उनको इंडस्ट्रीज में देखा होगा, उनको रिसर्च वर्क में देखा होगा, टीचिंग में देखा होगा। एक जो फौज में जो है वो अलग प्रोफेशन है। यहाँ पे आपको एज अ फार्मासिस्ट भी आप जाने जाओगे, एज अ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट भी जाने जाओगे, एज अ फोर्स मेंबर भी जाने जाओगे। तो आपको सब कुछ मैनेज करके चलना पड़ता है इसमें। और एक फक्र की बात होती है कि हम एक इंडियन आर्मी यानी बीएसएफ में भी एक फौजी के तौर पे भी बॉर्डर को सिक्योर करते हैं और एक फार्मासिस्ट के तौर पे भी हम पेशेंट को डील करते हैं। तो हमें सब कुछ मैनेज करना पड़ता है इसमें। और सर हाँ सर, सर एक्चुअली बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा है जिनको पता नहीं है प्रोसीजर क्या होता है, कब वैकेंसी आता है, क्या होता है इंडियन आर्मी में, कैसे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जिनको बचपन से ही ड्रीम होता है कि मैं इंडियन आर्मी में जाऊंगा, और जब फार्मेसी कर देता है उसके बाद ये अपॉर्चुनिटी मिलता है तो और बहुत सारा बहुत बड़ा स्कोप उनके लिए हो जाता है। तो सर ऐसा आपको कोई सजेशन है कैसे वे में जाना चाहिए, कैसे प्रैक्टिस होना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट जो ज्यादा फोकस करना चाहिए, और हेल्थ के बारे में भी क्या फोकस करना चाहिए सर? एक्चुअली इंडियन आर्मी या जो भी मिलिट्री पैरामिलिट्री फोर्स में आने के लिए आपको एक तो फिजिकली और मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। अगर कोई फिजिकली आप थोड़ा कमजोर हो तो इंडियन आर्मी उसके लिए नहीं है, क्योंकि आपको एक्सट्रीम हार्ड एरिया में भी ड्यूटी करना पड़ेगा जहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता है, और आपको उसके साथ साथ मेंटली भी स्ट्रांग होना पड़ता है। जैसे जो कि एक्सट्रीम हार्ड एरिया जैसे कश्मीर में भी आपको ड्यूटी करना पड़ेगा, इसके साथ साथ आपको नॉर्थ ईस्ट में भी ड्यूटी करना पड़ेगा। तो आपको बोलने का मतलब कि ये सिर्फ जो मेडिकली फिजिकली और मेंटली जो प्रिपेयर्ड है इसके लिए, ये उन्हीं के लिए है, बाकी ऐसे थोड़ा सा टफ जॉब है बोलने का। और इसमें जो सिलेबस रहता है जो कि एंट्रेंस के लिए होता है, इसके एक्चुअली सबसे पहले आपको फिजिकली इसका क्वालिफाई करना पड़ता है। फिजिकली क्वालिफाई करने के बाद आपकी मेरिट बनती है, उसी मेरिट के बेस पे आपको रिटन टेस्ट में अपियर होना पड़ता है। और रिटन टेस्ट में भी अपियर हो गए तो आपका लास्टली मेडिकल होता है। मेडिकल के बाद आपका फर्दर मेरिट बनता है ऑल इंडिया बेस पे। अगर आप उसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो फिर आप ज्वाइन कर सकते हो इंडियन आर्मी। ओके सर, सर और सब्जेक्ट की बात कर रहे हो आप, सब्जेक्ट में आपको सबसे ज्यादा फोकस करना पड़ता है मेडिसिन पे। फार्माकोलॉजी हो गया आपका और जो ह्यूमन एनाटॉमी हो गया, उसमें ज्यादा फोकस करना पड़ता है। और जो भी हमारे जो वाइटल्स हैं, वैल्यूज हैं उनकी, जैसे आपको ब्लड इन्वेस्टिगेशंस की है और आपका जितना भी होता है उनके जो वाइटल्स रहता है ह्यूमन बॉडी के, तो उस पे ज्यादा फोकस करना पड़ता है आपको। सर, और एक मेरा क्वेश्चन था, आपको एक फार्मासी, हाँ सर, एक फार्मासी बी फॉर्म होता है, डी फॉर्म होता है, एम फॉर्म होता है, तो किसको ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलता है? हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है आपका। एक्चुअली इसमें सबसे बेनिफिट होता है जो डिप्लोमा इन फार्मेसी होते हैं। एक्चुअली दे आर कनेक्टेड विद हॉस्पिटल,
बी फार्मा कनेक्टेड विद इंडस्ट्रीज, जो डी फार्मा होता है वो बेटर मैनेज कर सकता है इस चीज, हॉस्पिटल को, एज कंपेयर टू बी फार्मा एम फार्म। सर कोई स्कोप है कि नहीं बी फार्म के लिए? बी फार्म के लिए, यस हाँ बी फार्म के लिए स्कोप है एक्चुअली। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो एंट्रेंस की है वो डी फार्म है, बी फार्म भी अप्लाई कर सकता है और एम फार्म भी कर सकता है, अच्छा ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ तीनों कर सकता है, कोई प्रॉब्लम। और सर कुछ जानना चाहता, आप कैसे डील करते हैं, मतलब इंडियन आर्मी के साथ साथ एक फार्मासिस्ट, दोनों कंबाइन होकर आप कैसे डील करते हैं? डील एक्चुअली सर सब कुछ मैनेज करना पड़ता है आपको, एक फौज के लिहाजे से भी देखना पड़ता है, क्योंकि आपका सालाना आपका फिजिकल टेस्ट होता है, जो फायरिंग होती है, जो कि एक कॉमन ट्रूप्स के लिए होता है। ट्रूप्स माने तो जो भी कॉमन जो जीडी पर्सन होता है, जनरल ड्यूटी पर्सन होता है, हमें उनके साथ भी चलना पड़ता है और अपना प्रोफेशन भी देखना पड़ता है। अगर आपको कहीं इमरजेंसी होती है तो इमरजेंसी में भी आपको जाना पड़ेगा, पेशेंट को इवैकुएट करना पड़ेगा, और अगर जरूरत पड़े तो आपको फायरिंग भी करना पड़ेगा। ओके सर, सर सब क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन का एक बार देख लेते हैं क्या क्वेश्चन हम लोग स्टूडेंट लोग ने पूछा है। ओके सर, 1 मिनट सर, देखते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा सर, सर एक क्वेश्चन आया कि बी फार्म के लिए कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा है, तो हम लोग इंडियन अजय आर्मी से उसके हिसाब से बात करेंगे, तो ऑब्वियसली पूछ सकता हूँ कि क्या पैकेज होता है इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के बाद एक फार्मासिस्ट का, कि इन अकॉर्डिंग टू अदर अदर सब्जेक्ट पर्सनल भी जाते हैं और हम लोग फार्मासी पढ़ के जाते हैं, तो हम लोग का क्या एक्स्ट्रा कुछ मिलता है और कितने पैकेज रहता है सर? ओके ओके सर, ओके। एक्चुअली मैंने कभी इंडस्ट्री में जॉब नहीं किया है और मैंने कहीं भी दूसरी यानी के डिपार्टमेंट में कभी अप्लाई नहीं किया, तो मैं इंडस्ट्री के बारे में तो नहीं बता सकता। एज अ फार्मासिस्ट, आर्मी फार्मासिस्ट के बारे में बताता हूँ, तो इसका जो होता है पैकेज करता है आपका, जो आपकी लोकेशन, लोकेशन मीन्स आपका एरिया कौन सा है, एक्सट्रीम हार्ड एरिया है, हार्ड एरिया है, यानी उसके अलग से अलाउंसेस होते हैं। और जैसे ही आपका एक्चुअली जब इनिशियल ज्वाइन करता है इंडियन आर्मी को, तो 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है, आफ्टर दैट ही विल बी प्रमोटेड टू SI इन टर्म्स ऑफ हिज ग्रेड पे। जितना आपको SI सब इंस्पेक्टर को ग्रेड पे मिलता है उतना आपको मिलेगा। तो पैकेज अदर डिपार्टमेंट से बहुत अच्छा है इंडियन आर्मी में। अगर हम मिनिमम सैलरी करें तो 50,000 से शुरू होगी, अगर मैक्सिमम सैलरी करें जैसे एक्सट्रीम हार्ड एरिया हो गया आपका, जम्मू कश्मीर में हो गया, कश्मीर, नीलू गुरेज, और दीज आर द एक्सट्रीम हार्ड एरिया जहाँ पे 6 6 महीना तक बर्फ रहती है, वहाँ पे अलाउंसेस थोड़ा एक्स्ट्रा होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउंसेस एक्स्ट्रा प्रोवाइड करवाती है ट्रूप्स को, तो वहाँ पे आपकी पैकेज 80 to 90,000 पर मंथ मिल जाता है। तो पैकेज के हिसाब से देखें तो अच्छा है और ड्यूटी के हिसाब से देखें तो टफ है। हाँ सर सर आप स्टूडेंट लोगों को क्या बोलना चाहते हैं, या क्या बोले फिर से सर, आपको नहीं सैलरी सर, देता हूँ मैं सर, आप समझ रहा फार्मासिस्ट। हाँ सर सर हूँ, बोलिए एक्चुअली सर। स्टूडेंट लोगों को मैं यही बताना चाहता हूँ, जैसे किसी भी कॉलेज का कोई बैच होता है सर, इन माय एक्सपीरियंस किसी भी कॉलेज का कोई बैच होता है उसमें 100% तो कोई इंडस्ट्री में तो नहीं जाना चाहेगा, या तो 100% कोई आप हॉस्पिटल में जॉब नहीं करना चाहेगा, उसमें से कुछ तो होगा जो आर्मी या अदर डिपार्टमेंट, जैसे आर्मी हो गया आपका, मिलिट्री पैरामिलिट्री हो गया आपका, रेलवेज हो गया आपका, इसरो हो गया, और आपके जितने भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट उसमें जाना चाहेगा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो स्टेट गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की एक धारणा बन रखी है कि मुझे स्टेट में नौकरी करना है, स्टेट तक ही सीमित रहते हैं,
उसको छोड़ के थोड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट पे आइए और आपको अच्छा मिलेगा, पूरा इंडिया घूमने को मिलेगा, एंजॉय करोगे, अलग अलग कल्चर देखने को मिलेगा। तो अच्छा है कि आप थोड़ा सा बाहर आइए और थोड़ा कम्पीट कीजिए, अपने आप को देखिए कि मैं किस लेवल में हूँ, ऑल इंडिया से लेवल। एक्चुअली जब मैंने टेस्ट किया था तो आई हैव टॉप 10 पोजीशन इन इंडिया। तो उसी हिसाब से अपने आप को देखिए कि मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ, और उसी हिसाब से अपनी एबिलिटी के हिसाब से अपना कैरियर चुनिए, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। ओके सर, सर कैसे पता चले कि आज इंडियन आर्मी में आज वैकेंसी है फार्मासिस्ट के लिए? कौन सा सोर्स से ज्यादा प्रिफर करना चाहिए, और इंडियन आर्मी का जो वेबसाइट है उसमें प्रिफर करना चाहिए, कि और कैसे उनको सोर्स से मिल सकता है? कौन सा सोर्स से सर मिल सकता है वो इंफॉर्मेशन? इन्फॉर्मेशन आप एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में जाइए, और जो हर एक डिपार्टमेंट, हर एक ऑर्गेनाइजेशन होती है उसकी एक अलग साइट रहती है, तो आप उसको विजिट कीजिए। मैक्सिमम जून जुलाई, जून अप्रैल मई जून, इन्हीं मंथ के बीच में किसी भी वैकेंसी निकलती है जो मिलिट्री पैरामिलिट्री की, तो आप उसको डेली रूटीन रूटीन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ द बेस्ट वे। सर कितना टाइम काम करना पड़ता है, आपका कितना आवर्स होते हैं? 24x7 वाह, इन दी सेंस ऑफ मीन्स, अगर आपको पेशेंट कोई इमरजेंसी केस होता है तो आपको खड़ा होना ही पड़ेगा, उसके साथ आपको इवैक्यूएट करना ही पड़ेगा। सर और कुछ आप रेलवे के बारे में बता सकते हैं? सर सेंट्रल गवर्नमेंट का आप जो बोला, सेंट्रल गवर्नमेंट का रेलवे के भी वैकेंसी निकलता है, उसका कुछ सर कुछ आइडिया है? कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब में कुछ उसका आइडिया, मतलब जॉब हाँ, उसका भी? सेंट्रल, अगर हम सर अगर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को थोड़ा कंपेयर किया जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट अच्छा इंसेंटिव और इसके अलाउंसेस भी अच्छे रहते हैं। एक्चुअली ये बहुत से फार्मासिस्ट को पता नहीं होती है चीज, सर ठीक है, तो प्रेफर करो अपना सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रेफर करो हमेशा ही। और हाँ, जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनमें फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकलती रहती है, तो उसमें भी ट्राई करो, बेस्ट करो, क्योंकि उसी में आपको सीखने को मिलेगा, और जो पेशेंट को आप ट्रीट करते हो उसकी जो फीलिंग रहती है, उसका जो ट्रीटमेंट भी करने की जो फीलिंग रहती है, उसको बहुत एक तो दुआ दे मिलती है पेशेंट से, और अच्छा भी लगता है कि मैंने कुछ किया दूसरे के लिए, कुछ किया। और कई बार तो इधर अपनी बात करें तो कई बार हमें इंडिपेंडेंट ट्रीटमेंट करना पड़ती है, अगर कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं हो तो हमें इंडिपेंडेंट ट्रीटमेंट करना पड़ता है किसी भी पेशेंट, तो आपको थोड़ा सीखने को मिलता है और थोड़ा आपको सीखना भी जरूरी है। सर हम फार्मासिस्ट के लिए रिटायरमेंट कितना टाइम तो कुछ है, कुछ है कि 5 साल, 10 साल, 15 साल तक तो उसको फिक्स का जॉब करना है, ऐसा कुछ है सर? इसका 20 इयर्स है, मिनिमम 20 इयर्स। और सर, ओके किसी सर, का थैंक यू। कोई और पॉइंट? वही सर, मैं देख रहा हूँ कुछ पॉइंट। प्लीज जिसको कुछ क्वेश्चन करना है, सर आपके सामने है और आप फ्रीली पूछ सकते हो, उनसे गाइड ले सकते हो। आज कितना अच्छा प्रोफेशनल आपके पास बढ़े, हमारा फार्मासिस्ट है वो, और आज इंडियन आर्मी में भी जॉब कर रहे हैं सर। और बहुत सारा ऐसा स्टूडेंट है जिसको पता नहीं है कि एक्चुअली इंडियन आर्मी में भी निकालते हैं वैकेंसी, लोग ज्वाइन भी करते हैं, आज हमारा सामने है सर। तो उनसे कुछ पूछना चाहते हो, आज जो भी लोग देख रहे हैं, जो भी स्टूडेंट हम लोग देख रहे हैं, कुछ भी क्वेश्चन होता है पूछिए, और विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज वी डोंट हैव मच मोर टाइम। सर के पास कुछ इतना टाइम नहीं है, और 5-10 मिनट के लिए सर रुक सकते हैं, तो प्लीज कुछ क्वेश्चन है ना,
आपके पास से, तो अभी पूछिए, बाद में तो आंसर नहीं मिलेगा। ओके सर, थैंक यू सर, आप टाइम निकल के हमको टाइम दिया, थैंक यू सर, थैंक यू सर, सलाम सर आपको, देखते सर नेक्स्ट टाइम क्या होता है। ओके सर, थैंक यू सर, ओके सर, जय हिंद साहब। थैंक यू, जय हिंद सर। फ्रेंड्स, आज तो सुनील भारद्वाज सर थे इज इन इंडियन आर्मी, आपको कुछ बताइए, और हम ट्राई करते हैं फार्मा जॉब पोस्ट, एंड आई एम फार्मासिस्ट विथ द हेल्प ऑफ, वी सपोर्टेड बाय आरएक्स ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड एंड जीवनधारा टाइटल ट्रस्ट। हम ट्राई करते हैं कि आगे ऐसे वीडियोस लेके आएंगे, डिस्कशन करेंगे, जो एक्चुअली स्किप होके रहा है उसको कैसे आगे लेके आएंगे आपको पता चलेगा उसके बारे में फार्मेसी में। तो थैंक यू, आज तो खत्म कर दिया हम लोग ने, और देखते हैं नेक्स्ट टाइम संडे, यस संडे हम लोग लेके आ रहे ब्लॉकचेन, फार्मा ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन क्या होता है क्या नहीं होता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और जो क्विज था आरएक्स गो प्राइवेट लिमिटेड से, उसका क्विज का आंसर भी, विनर भी उसको उस टाइम आपको डिक्लेयर होगा, टॉप 20 विनर। थैंक यू।